हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, चौधरी कंप्यूटर एंड कमर्शियल कॉलेज से। आज हम बात करेंगे टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, उनके टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज के टाइम में ज्यादातर काम ऑनलाइन कंप्यूटर और लैपटॉप पे होने लगे हैं। इसी वजह से जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो। टाइपिंग स्किल्स लगभग हर करियर में, हर पाथ में काम आता है। जिसकी टाइपिंग अच्छी हो उसे आसानी से कोई भी कंप्यूटर की जॉब मिल जाती है। फास्ट टाइपिंग एक एक्स्ट्रा स्किल है जो सिलेक्शन के टाइम पे आपको सभी कैंडिडेट्स में हाईलाइट कर सकता है। स्टूडेंट्स के बेटर करियर के लिए टाइपिंग सीख लेना बेहतर है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर लें, अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएं और इसी से आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। जल्दी शुरू करें क्योंकि बहुत जल्दी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड का मास्टर बना देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, चूज अ कीबोर्ड दैट इज कंफर्टेबल फॉर योर हैंड्स। एक कीबोर्ड चुने जो आपके हाथों के लिए कंफर्टेबल हो। कंप्यूटर कीबोर्ड में कई वैरायटीज होती हैं और उनकी शेप्स एंड साइज डिफरेंट होते हैं। आपको एक ऐसा कीबोर्ड चूज करना है जो आपके लिए, आपके हैंड्स के लिए कंफर्टेबल हो, जिससे आपको टाइपिंग करने में आसानी हो। जो कीज हैं उनके साइज को देखें। कीज साइज जितने बड़े होंगे उतना ही इजी होगा। आपकी फिंगर्स पर फिट बैठने वाले कीज कीबोर्ड को सिलेक्ट करें। इज इट? अब मैं बात करूंगा, फोकस ऑन टेक्निक। टेक्निक पर फोकस करें। क्या आप जानते हैं कि टाइपिंग में 80% टेक्निक, 10% स्पीड और 10% एक्यूरेसी काम आती है? आप इस बारे में किसी टाइपिंग मास्टर या एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। कीबोर्ड पर हाथ कैसे रखना है, कौन सी फिंगर कहाँ रखनी है, ये सब पता करने के बाद ही आप अच्छे से टाइपिंग सीख लेंगे। इसलिए आपको फास्ट टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा, तभी आप तेजी से टाइप कर पाओगे। अगर आप लगातार टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं और हाथों की पोजीशन पर फोकस नहीं करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड खराब हो जाएगी। उसके बाद मेक योर सेल्फ फेमिलराइज विद द कीबोर्ड। कीबोर्ड के साथ खुद को फेमिलराइज बनाएं। मोस्टली कीबोर्ड्स में स्टैंडर्ड सेटअप होता है और कुछ में अलग-अलग लेआउट या और सर्विस होती है। सिंपल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड इसका एक एग्जाम्पल है। आप अपने कीबोर्ड को अच्छे से समझ लें और जान लें कि कौन सी की क्या काम करती है। आपको हर एक की के बारे में बेसिक इन्फो होनी चाहिए। कीबोर्ड के हर एक बटन को अपने माइंड में ऐड करें और कोशिश करें उसकी प्रैक्टिस करने की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार कीबोर्ड के सभी की बटन्स को याद कर लें, इतना कि आप कीबोर्ड को देखे बिना बता सको कि कौन सी की कहां पर है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, उससे पूछने के लिए कहें और आप कीज की लोकेशन को बताएं। इज इट? उसके बाद सेट योर फिंगर्स प्रॉपरली ऑन कीबोर्ड। फिंगर्स को कीबोर्ड पर प्रॉपरली अरेंज करें। जब आप कीबोर्ड की ऑल कीज को अच्छे से समझ लो और याद कर लो
तो उसके बाद आपको कीबोर्ड पर हैंड्स को कैसे रखें के बारे में सीखना है। ये तरीका टाइपिंग स्पीड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप कीपैड और उसको देखे बिना टाइपिंग कर सकते हैं। अपना लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को, जो एफ एफ पे जाती है फिंगर, और अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर उसको जे की बटन पर रखें, इज इट। बाकी लेफ्ट हैंड की अदर फिंगर्स को ए एस डी और राइट हैंड की अदर फिंगर्स को सेमीकोलन एल के पर बटन पर रखें। जब भी आप कीबोर्ड पर हाथ रखो तो आपके हाथों की फिंगर्स ए एस डी एफ और सेमीकोलन एल के जे एल सेमीकोलन एल के जे इन की बटन्स पर होनी चाहिए। साथ ही आप कंप्यूटर के सामने बैठें तो कंफर्म कर लें कि आपका कीबोर्ड आपकी बॉडी के सामने सेंटर पोजीशन में होना चाहिए, इज इट। फिफ्थ पॉइंट, प्रेस राइट फिंगर टू प्रेस कीज। जो कीज हैं उनको प्रेस करने के लिए सही फिंगर का इस्तेमाल करें। फास्ट टाइपिंग और बेहतर टाइपिंग करने के लिए जरूरी है कि आप कीबोर्ड कीज पर स्ट्राइक करने के लिए राइट फिंगर्स का इस्तेमाल करें। ज्यादातर केसेस में लोग अपनी कुछ ही फिंगर्स का यूज करते हैं, लेकिन आपको सभी फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड फिंगर पोजीशन ऑन कीबोर्ड, इज इट। लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है, अपने लेफ्ट हैंड की जो पहली फिंगर है ए वाली, उसको हम वन प्रेस कर सकते हैं, टू प्रेस कर सकते हैं, क्यू और जेड उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर कौन सी, एस वाली, इस फिंगर से हम थ्री को प्रेस कर सकते हैं, डब्लू को प्रेस कर सकते हैं और एक्स को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जो है, जिसे हम डी प्रेस करते हैं, इससे आप फोर को प्रेस कर सकते हैं, ई को प्रेस कर सकते हैं, सी को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा आपकी जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है एफ, एफ को आप फाइव सिक्स आर टी जी और वी के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो थी आपकी लेफ्ट फिंगर्स। अब मैं बात करूंगा राइट फिंगर्स की। अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जो जे पर जो है आपकी, उसको आप सेवन वाई यू एच और एन एम के लिए एन और बी के लिए यूज कर सकते हैं। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर के एट आई एम के लिए यूज कर सकते हैं। अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर को जो एल पर है, उसको नाइन ओ और कोमा के लिए यूज कर सकते हैं। अपने राइट हैंड की फिंगर को जो आपकी फिंगर सेमीकोलन पर है, उसको जीरो और डॉट फुल स्टॉप के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेस बार, स्पेस बार जो होता है उसको प्रेस करने के लिए कोशिश कीजिए हमेशा राइट थंब का ही इस्तेमाल करें। सिक्स पॉइंट, प्रैक्टिस रेगुलरली। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने का सही वे है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी टाइपिंग स्पीड उतनी ही बेहतर होगी। आप सिर्फ पढ़कर या देखकर टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। फास्ट टाइपिंग के लिए आपके दिमाग के साथ साथ आपके हाथों की मांसपेशियों को, कीबोर्ड कीज को अच्छे से समझने की जरूरत होती है, और वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से मिल सकती है। इसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे और आप गेम खेलकर भी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही आप बुक्स, पेपर टाइप करने, फ्रेंड्स को मेल करने, स्टोरी राइट करने के लिए टाइपिंग कर सकते हैं। कुछ भी हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कितने टाइम बाद टाइपिंग
फास्टर कर सकोगे ये आप पर डिपेंड करता है, इज इट। अब मैं बात करूंगा सेवंथ पॉइंट की, डू नॉट बिलीव इफ देयर आर मिस्टेक्स, गलतियां होने पर हार ना माने। जब आप टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने का कोर्स स्टार्ट करते हो तो क्लियर है कि आपसे स्टार्टिंग में टाइपिंग मिस्टेक्स होंगी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी है, ये सबके साथ होता है। याद रखो कि एक छोटा बच्चा चलना सीखने से पहले कई बार गिरता है लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिर में वो सही से चलना सीख जाता है। आपको भी वही करना है, सीखते रहना है। गलती होने पर टाइपिंग सीखना, प्रैक्टिस करना, उसको नहीं छोड़ना है, करते रहना है। धीरे धीरे आप कम कम और कम जैसी गलतियां करने लगोगे, इज इट। और एक दिन ऐसा आएगा आप एक भी गलती नहीं करोगे, उस दिन आप टाइपिंग मास्टर बन जाओगे। एट्थ पॉइंट, टेक ब्रेक ड्यूरिंग प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते समय ब्रेक जरूर लिया करो। टाइपिंग प्रैक्टिस करते टाइम रेगुलर ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को जल्दी से इंप्रूव करना चाहते हो तो गलत कर रहे हो। हर काम में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कहो कि मैं दो दिन में टाइपिंग सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अपने आप को थोड़ा सा आराम दें ताकि आपके हाथों और दिमाग को प्रॉब्लम ना हो। आप कई घंटे तक टाइपिंग प्रैक्टिस ना करें बल्कि दिन में एक दो घंटे करें और रेगुलर करें। लगातार 10 से 30 मिनट तक टाइपिंग करें, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लें, 5 मिनट का, 10 मिनट का। आपका माइंड जितना फ्रेश रहेगा आप उतनी ही जल्दी सीखोगे, इज इट। नाइंथ पॉइंट, मॉनिटर योर स्क्रीन। अपनी स्क्रीन पर नजर रखा करो। जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी नजर कीबोर्ड की तरफ जाना नॉर्मल है लेकिन ये आपकी टाइपिंग स्पीड को स्लो कर देता है। आपको स्क्रीन की तरफ देखते हुए कीबोर्ड को देखे बिना टाइपिंग करनी है। जब आप इस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो आपसे पहले ये ज्यादा गलतियां शुरू हो जाएंगी लेकिन टेंशन नहीं लेनी है और जारी रखना है। ये तरीका आपकी टाइपिंग को बेहतर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइपिंग करते टाइम अपने हाथों को हल्के कपड़े से ढक सकते हैं ताकि आपकी नजर कीपैड की ओर जाए ही नहीं, तो आप की बटन्स को ना देख सकें। ऐसा कुछ करें, हल्का कपड़ा रख दें कीबोर्ड के ऊपर, जितना हो सके कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर रखें और टाइपिंग करें। जितनी आपकी आईज कंसंट्रेशन स्क्रीन पर रहेगी उतनी आपकी टाइपिंग की स्पीड फास्ट होगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम बार बार कीबोर्ड को देखते हैं, हम बार बार पेज पे देखते हैं। उसमें क्या होता है, आप कीबोर्ड पर देख रहे हो, पेज पर देख रहे हो, फिर स्क्रीन पर देख रहे हो। अब स्क्रीन पर देख रहे हो कोई वर्ड गलत हो गया, फिर आप नीचे कीबोर्ड पे आते हो, फिर देखते हो मैंने क्या प्रेस कर दिया, फिर बुक में देखना होता है, फिर बुक में से वो वर्ड आपका सेंटेंस मिस हो जाता है जिससे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं करना, कोशिश कीजिए अपनी आईज को प्रॉपर स्क्रीन पर या फिर प्रॉपर जिस जहां से आप टाइप कर रहे हैं पेज पर वहां से टिका के रखें, इज इट। आगे मैं बात करूंगा एक ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट लिया करें आप। आपको अपनी टाइपिंग का टेस्ट देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, अपना टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं। आप ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट्स और टूल्स का यूज कर सकते हैं। इससे आप ये जान सको कि आपकी वर्ड्स पर मिनट WPM, वर्ड्स पर मिनट का शॉर्ट फॉर्म है WPM, स्पीड कितनी है। कुछ ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट टूल फ्री में अवेलेबल हैं, जैसे typing.com या फिर typingmaster.com, आप इसको खोल लीजिए। आप इन टूल्स की हेल्प से टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड को
पता लगा सकते हैं कि मेरी स्पीड कितनी है। प्रैक्टिस करते टाइम बीच बीच में टाइपिंग टेस्ट लेते रहें। लास्ट में इन सिंपल और इजी टिप्स के साथ आप फास्ट टाइपिंग करना सीख सकते हैं और कीबोर्ड टाइपिंग मास्टर बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद टाइपिंग करना शुरू नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा क्योंकि आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्यों ना अभी से शुरू करें। आने वाले कुछ ही महीनों में मैं आपको टाइपिंग मास्टर के रूप में देखना पसंद करूंगा। उस दिन आप में एक न्यू स्किल होगा फास्ट टाइपिंग करने का, और जिस दिन आप अच्छी सी टाइपिंग सीख जाओगे तो मुझे कमेंट के जरिए रिव्यू जरूर दीजिएगा कि मेरी टाइपिंग की स्पीड कितनी हो गई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट आपको और टिप्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहिए आप। थैंक यू।